अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ एलोवेरा जेल पार्ट 3। इसमें मैं आपको बताऊँगी एलोवेरा जेल हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। आप फ्रेश लेना चाहें तो फ्रेश ले सकते हैं। आज के हम लोग जो टॉपिक है उस पर हम करेंगे डार्क स्पॉट्स जिसके आ जाते हैं, सनबर्न आ जाता है, या फिर किसी किस्म का जैसे आप गर्मियाँ चल रही हैं जूता पहनेंगे तो जूते का निशान आ जाएगा, उसको दूर करने के लिए हम लोग जो भी चीज़ यूज़ करेंगे मैं आपको वो बताऊँगी। सिर्फ दो चीज़ों की हमें ज़रूरत है। आप फ्रेश एलोवेरा लेना चाहते हैं वो ले लें, या फिर इस तरह का जेल यूज़ कर सकते हैं, और टिश्यू पेपर आपने यूज़ करना है। अब इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। देखें, जैसे इस तरह पाँव पे निशान आ जाते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के लिए, इसके लिए अब हम लोग यूज़ करेंगे एलोवेरा जेल। अगर आपके पास फ्रेश है तो आपने उसका जेल निकाल लेना है। इसको ज़्यादा क्वान्टिटी में आपने पाँव पर लगाना है और इसको मसाज करें। और ये रेमेडी आपने डेली यूज़ करनी है, इससे आपके फेस पे भी जो भी निशान आ, जैसे कि पिंपल ख़त्म होते हैं, निशान छूट जाते हैं, या फिर फार्मूला क्रीम्स यूज़ करने के बाद अक्सर लोगों के निशान फेस पे आ जाते हैं, प्रोमिनेंट होने लग जाते हैं, तब भी आपने फेस पे भी सेम मेथड से अप्लाई करना है। अब ये देखिए मैंने जेल अप्लाई कर दिया। अब आपने इसके ऊपर ये टिश्यू पेपर ऐसे चिपका देना है। इसको आपने तब रिमूव करना है जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। सिंगल कोट अगर सही रहता है ठीक है, नहीं तो आप कोशिश करें कि डबल कोटिंग करें, और टिश्यू पेपर अच्छे वाला यूज़ करना है आपने। जैसे वैक्स टिप हम लोग पेस्ट करते हैं उस तरह आपने ये पेस्ट करना है। अब इसके ड्राई होने का वेट करें 10 मिनट 15 मिनट, जितनी देर ये लगती है ड्राई होने में, बिल्कुल हार्ड हो जाना चाहिए। ये देखिए इस तरह से ये ड्राई होना शुरू हो गया। जैसे ये ड्राई हो जाएगा हमने इसको उतार लेना है और पाँव आपने वॉश कर लेना है, और ये आप कोशिश करें कि डेली यूज़ करें। ताकि देखें ये ड्राई हो गया, इस तरह से आपको फील होगा साथ बिल्कुल स्किन के साथ वो पेस्ट हुआ हुआ है। अब हम लोग इसको उतारेंगे जैसे वैक्स की पट्टी उतारते हैं, और रिज़ल्ट आपके सामने, आपको फील हो रहा होगा कि कितनी लाइट रहेगी स्टेन। ये डेली यूज़ करेंगे आपका ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। दुआओं में याद रखिएगा मुझे, और ये रेमेडी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा जिसको भी ये प्रॉब्लम है। ये देखें इस पाँव पे हम लोगों ने अप्लाई किया था, इसका और इस पाँव में रिज़ल्ट आप देखें कितना डिफरेंस है, इसमें और इसमें। इस पर हमने अप्लाई किया था, इधर अभी डार्क स्टेन नज़र आ रहे हैं, इधर नहीं है। Thank you so much.